हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलाई मशीन की मोटर के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये वाला है सिलाई मशीन का मोटर है। इसके अंदर चलते चलते धुआं आया है कह रहे हैं, इसीलिए इसको खोल के देखने वाले हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको खोलने से पहले ये इसका कार्बन चेक कर लेना चाहिए। इसमें कार्बन गया तो भी धुआं भी आता है, और क्योंकि मोटर चलने का भी बंद होता है। इसके अंदर कार्बन ख़त्म हो गया है तो मोटर नहीं चलेगा, इसलिए इसको इस तरह से खोल लेना चाहिए। ये देखिए इस तरह से कार्बन होते हैं, ये दोनों कार्बन बराबर है, ये कार्बन से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मगर इसको खोल के देखेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम इस व्हील को निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों नटों को निकालें तो ये बॉडी बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी नट, ये जो व्हील है ये इसको निकालेंगे, ये नट लूज करे तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको खोलेंगे इस तरह से, इन दोनों नटों को लूज कर लेंगे। ये देखिए, ये दो नट निकाल दिए और इनको भी खोलेंगे। मोटर में क्या होता है कि अंदर रिवेंडिंग जल जाता है, जैसे कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन होने से या अंदर कनेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए रिवेंडिंग वो ये ख़राब हो जाता है। इससे भी मोटर ख़राब हो जाता है, अंदर धुआं, अंदर से धुआं आता है, जल जाता है मोटर। अब इसको खोलने के लिए हमारे को इस तरह से ये वाले को निकाल लेना चाहिए। अब ये लूज़ करने पर ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर बेरिंग होते हैं, वाइशर होते हैं, ये देखिए इस तरह से वाइशर होते हैं इसके अंदर। इनको आराम से हल्लू से निकाल लेना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, ये वाला है इसका आर्मेचर, ये देखिए ये वाला है इसका आर्मेचर, ये देखिए ये वाला ऐसा होता है। इसका आर्मेचर तो अच्छा है, मतलब ये मिनिमम आपको 50% गया है, समझिए 50% है, अभी ज़्यादा गाला नहीं हुआ है। ये गाला गया, अंदर बहुत ज़्यादा गाला हो गया है तो ये वाला ख़राब हो गया समझ लेना चाहिए, मगर ये वाला मिनिमम अच्छा है। अब इसके अंदर देखेंगे, जल गया है ये वाला, ये देखिए काला हो गया, यही है रिवेंडिंग, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिवेंडिंग, अच्छे से काला पड़ गया है इसलिए दिखाई नहीं देता है। ये जो है देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर तांबे की केबल होते हैं, वायर होते हैं, इसी के अंदर से जल गया है वाला, इसलिए ये वाला नहीं चलता है। ये मोटर पूरा जल गया है दोस्तों, ये वाला जल गया है, अब ये वाला नहीं होगा। इसको रिपेयरिंग करने के लिए इसको रिवेंडिंग करना पड़ता है, रिवेंडिंग करके और वैसे ही फिट करना चाहिए। इसको रिवेंडिंग करने के लिए मिनिमम 2 दिन तो लगेगा इसको, इसीलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे आगे, मगर कैसे रिवेंडिंग करना है और कैसे कैसे फिटिंग करना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।